नमस्ते दोस्तों, क्या आपके बच्चे का वज़न ठीक से खाना खाने पर भी नहीं बढ़ रहा है? बच्चा एकदम कमज़ोर है, दिखने में एकदम दुबला पतला लगता है। तो एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए, इसे खाने से बच्चों का वज़न तेज़ी से बढ़ेगा और ये स्वाद में इतना ज़्यादा बच्चों को पसंद आएगा कि बच्चा इसे आपसे बार बार में मांग कर खाएगा। और इसे आप 10 महीने से ऊपर के बच्चों को लंच या डिनर में बनाकर दे सकते हैं। तो फिर चलिए इस हेल्दी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इस सुपर हेल्दी फूड को बनाने के लिए गैस पर मैंने पैन रख दिया है। अब मैंने लिए हैं 8 से 10 फूल मखाने, इसे हम पैन में डाल देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 बादाम, 2 चुटकी हम ले रहे हैं जीरा, इसे डाल देंगे और सभी चीज़ों को लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट कर लेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए, मैंने इसे हल्का ड्राई रोस्ट कर लिया है और आप देख सकते हैं इसका कलर भी हल्का चेंज हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और रोस्ट की भी सामग्री को अब हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो फ्लेम को ऑफ कर दिया है मैंने और इसे हम अलग बर्तन में निकाल लेते हैं और इसे हम हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए, सभी चीज़ें हल्की ठंडी हो चुकी हैं और अब ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका हम बिल्कुल बारीक पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। अब जो दूसरी चीज़ हम यहाँ पे ले रहे हैं दोस्तों, वो है दाल। तो मैंने 2 तरह की दाल ली है। 1.5 छोटा चम्मच मूंग की दाल ली है बिना छिलके वाली, 1 छोटा चम्मच मैंने उड़द की दाल ली है। आप चाहें तो यहाँ पर पूरी जो मूंग की दाल है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, केवल आप इसे मूंग की दाल के साथ में भी बना सकते हैं। मैंने इसे अच्छे से वॉश करने के बाद भिगो दिया था लगभग 1/2 घंटे के लिए। देखिए, अच्छे से ये फूल गई हैं, तो अब इसे भी हम ग्राइंड कर लेंगे। साथ ही ये जो फूल मखाने हैं इसका भी हम पाउडर बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ग्राइंडिंग जार ले लिया है और ये देखिए, फूल मखाने का मैंने बारीक पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे भीगी हुई दाल और इसे हम पानी सहित ही ऐड कर देंगे, जिससे कि इसे ग्राइंड करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। और ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका एकदम बारीक स्मूथ पेस्ट बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, एकदम स्मूथ पेस्ट इसका बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए, कुछ भी मोटा अंश नहीं है इसमें और बहुत ही अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है। और अब आइए देख लेते हैं कि इसका फूड किस तरह से हमें बनाना है। तो मैंने यहाँ पर ये पैन लिया है। सबसे पहले ये जो दाल हमने मिक्स करके रखी है, इसे हम पैन में डाल देंगे और इसी के साथ ग्राइंडिंग जार में ही हम 1 ग्लास के लगभग पानी डाल देंगे और इसे हम पैन में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे बिल्कुल लम्स फ्री होने तक। और अब इसे हम गैस पर रखकर पका लेंगे। तो ये देखिए, बर्तन को मैंने गैस पर रख दिया है, अब हम गैस ऑन कर लेंगे और इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो इसे पकाते हुए हमें एक बात का ध्यान रखना है कि चम्मच हमें इसमें लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये थोड़ा सा तले पर लग भी सकता है, उसका टेस्ट भी थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। तो फूड को पकाते हुए मुझे 2 मिनट के ऊपर हो चुके हैं, देखिए हल्का गाढ़ापन इसमें आ गया है। तो इसी समय पर अब इसमें हम मिला देंगे 1 चुटकी नमक। आप चाहें तो इसमें मिश्री पाउडर या फिर जैगरी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और ये जो फूल मखाने का पाउडर हमने बनाया था, इसे भी हम ऐड कर देंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो फूड पकाते पकाते आपका अगर फूड थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो आप फूड की कंसिस्टेंसी थोड़ा सा पानी मिलाकर एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, टोटल मैंने इसे 5 मिनट के लिए पका लिया है। सभी चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से पक गई हैं, बहुत ही अच्छा गाढ़ापन इसमें आ गया है। अभी हमारी हेल्दी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है बच्चों के लिए। तो बस अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और फूड को हल्का सा ठंडा होने पर हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल देंगे। और ये बनकर तैयार है हमारे घर के बच्चों के लिए हेल्दी एंड टेस्टी वेगन रेसिपी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का वज़न तेज़ी से बढ़े, बच्चों का दिमागी विकास तेज़ी से हो, हड्डियां मजबूत बने, तो एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
इससे बच्चों का वजन भी बढ़ेगा और बच्चों की हड्डियाँ भी मजबूत बनेंगी। साथ ही बच्चों को ये स्वाद में काफ़ी पसंद आएगा और इसे आप सप्ताह में 1 से 2 बार बनाकर दे सकते हैं। तो आप इस तरह से फूड बदल बदल कर बच्चों को खिला सकते हैं। इसे खाने से बच्चों को बोरियत महसूस नहीं होगी और बच्चा इसे टेस्ट लेकर खाएगा। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा अपने बच्चों के लिए। और कैसी लगी आपको आज की रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर योर time.